नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द फुल वॉल्यूम। आज हम पहुंच चुके हैं फन एंड सिटी रिजॉर्ट पर। आज इस रिजॉर्ट का ओपनिंग है, यहां ढेर सारे सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, बहुत ही प्यारा व्यूज है। क्या कुछ है ये हम आपको दिखाएंगे, आइए चलते हैं देखते हैं। इस फन एंड सिटी रिजॉर्ट के ग्रैंड ओपनिंग के दौरान बहुत ही रोमांचक चीज़ें देखने को मिली थी। स्वादिष्ट खाने के साथ साथ माहौल भी काफ़ी रूहानी था। अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए रसिया से डांसर्स भी आई थी। उनके मनमोहक नृत्य ने लोगों को भी झूमने पर मजबूर कर दिया। यही नहीं, भोजपुरी की मशहूर सिंगर और अपने आवाज़ से जादू बिखेरने वाली देवी भी यहाँ मौजूद थी। उनके साथ साथ और भी सिंगर्स और डांसर्स अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे साथ मैम हैं, देवी मैम हैं। हम इनसे बात करते हैं कि इनको कैसा लगा फन सिटी में आकर, कैसा महसूस करिए। हेलो मैम। हेलो, और जो भी मेरे दर्शक मुझे देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार है और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और साथ ही साथ धन्यवाद है, क्योंकि हमारे फैंस मुझे बहुत चाहते हैं, प्रेम देते हैं, मैं इसके लिए आभारी हूँ। मैम, आपको यहाँ पर फन सिटी में आके, आप आज ओपनिंग है और आप इनवाइटेड हैं, आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो फन सिटी जो है वो पटना से 20-22 किलोमीटर की दूरी, ये जो पटना गया रूट है और इस जगह को बीर बोलते हैं और बीर बाज़ार भी बोलते हैं, तो इस जगह पे सबसे पहली बात तो ये है कि बिहार में एक ऐसा पिकनिक स्पॉट की मुझे लगता है कि कमी है, और उस कमी को ये जो जगह है फन सिटी बहुत उसकी कमी पूरा कर रहा है। और मैं इसके लिए भोला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक सुंदर सा रिजॉर्ट भी है यहाँ पे, रेस्टोरेंट है, और साथ ही साथ इनका प्लानिंग है कि एक स्नो पार्क बनाने की भी एक कोशिश हो रही है और बहुत काम भी आगे बढ़ गया है। तो मेरे तरफ से ये बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगी, और साथ साथ ये फ़ख्र की बात है कि बिहार में इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं, क्योंकि मैं भी बड़े शहरों में भी रहती हूँ, मुंबई रहती हूँ, तो मुझे घर आके बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हमें कोई ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ कि हम थोड़ा शाम इन्जॉय कर सकें, तो मुझे लगता है कि ये जो प्लेस है वो उन सारे जो लोग हैं जो कि थोड़ा सैटरडे संडे इन्जॉय करना चाहते हैं, पिकनिक मनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी जगह है। और मैं कल से यहाँ पे हूँ, यहाँ पे रुकने की भी व्यवस्था है, तो यहाँ जो रूम्स भी हैं मुझे बहुत अच्छे लगे, जो कलर है काफ़ी क्रीम कलर का बैकग्राउंड है, तो स्मूथ कमरे हैं, कमरों में बड़ा बड़ा ग्लासेस है, तो ऐसा लग रहा है कि कमरा और बड़ा दिख रहा है, तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस जगह को, और मैं दुआ करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जगह पे आएंगे। चलिए मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मैंने प्रोग्राम भी किया और बहुत सारे लोगों ने, आज उद्घाटन था 26 जनवरी को, तो काफ़ी लोगों ने डांस भी किया, गाने भी हुए, तो काफ़ी मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद हम लोग काफ़ी बहुत कम ऐसा मौका मिल रहा है कि लोग रूबरू हो पाएँ, तो लगभग एक साल से तो हम लोग घर के अंदर ही थे, तो बाहर आके मुझे दूसरी दो तरह की खुशी हुई, एक तो इस जगह पे आके अच्छा लगा, दूसरा पब्लिक को देख के बहुत आनंद आया, पुराना ज़माना याद आ गया। आइए चलते हैं और आपको बताते हैं इस रिजॉर्ट की खासियत और खूबसूरती के बारे में, ताकि आप भी यहां आएं और अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा टाइम निकाल के इस फन एंड सिटी रिजॉर्ट में फन करें।
तो आपने देखा कितना ही प्यारा रिसोर्ट यहाँ पे खुला है। आप यहाँ पर अपने फैमिली के साथ आके इंजॉय कर सकते हैं, सुकून से जी सकते हैं, बहुत ही प्यारा है। आप यहाँ के पूरे तरह से इंजॉय कर सकते हैं, यहाँ रहने के लिए खाने के लिए हर तरह की व्यवस्था है। कोई भी इवेंट अगर आपको ऑर्गेनाइज करवाना हो तो आप यहाँ जुड़ सकते हैं। बाकी चीज़ों के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में मिलिए, वहाँ हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप जुड़ सकते हैं हमसे। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए देखते रहिए द फुल वॉल्यूम।